आइए बैठिए। थैंक यू जी। कहिए कैसे आना? मैं ये पूछ रहा था पंडित जी, आप श्राद्ध वगैरह कराएं? जी अवश्य करवाते हैं। आपको किसका करवाना? वो मेरे दादाजी गुजर गए, उनका श्राद्ध करवाना था। जी जी हो जाए, बिल्कुल हो जाए। हाँ तो पंडित जी एक बात पूछनी थी आपसे। जी अवश्य पूछिए। ये श्राद्ध वगैरह क्यों जरूरी होता है? ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। आपके दादाजी जो पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे, वहाँ उनकी आत्मा द्वार पर इंतजार कर रही है। उनकी आत्मा को तब तक प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक यहाँ पर आप श्राद्ध कर्म नहीं करवाते। जैसे ही आप यहाँ पे श्राद्ध कर्म करवाएंगे, वहाँ पे उनकी आत्मा को प्रवेश मिलेगा। उनकी आत्मा का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होगा। लेकिन यदि आप श्राद्ध कर्म नहीं करवाते तो उनकी आत्मा दसों दिशाओं में भटकती रहेगी और फिर वो आपको श्राप देंगे। यजमा आपकी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी, अनेक कठिनाइयों से भर जाएगी। आपसे विनती थी, मेरी पत्नी ने ये कहा था कि किसी बरेली के विद्वान से श्राद्ध करवाना। वो क्या हुआ था ना कि हमारे साथी में जो पंडित आया था, वो साथी के मंत्र के श्राद्ध मंत्र पढ़ रहा था। नहीं आप तो विद्वान तो पंडित जी ये बताइए मुझे इसके लिए क्या करना होगा? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे हवन कुंड लेकर आ। ठीक है पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम बैठ। ऐसे करके बैठ जाइए। ओम यजामहे नमः स्वाहा, ओम पुष्टिवर्धनम स्वाहा, ओम यमाये नमः स्वाहा। पंडित जी मुझे क्या करना होगा? देखिए यजमान बहुत ही आसान, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा आप कहिए, जैसा जैसा मैं करता हूँ वैसा वैसा आप करिए। मतलब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँ, जैसा आप करते हैं वैसा मैं करूँ? जी उत्तम। ठीक है पंडित जी, हाथ में तिलजो ले लें। हाथ में आप अपने हाथ में तिलौजो ले लें। आप अपने हाथ में तिलौजो, आपको अपने हाथ में लेना है आपको। आपके पितर का श्राद्ध है? मेरे पितर का नहीं है यजमान, आपके पितर का श्राद्ध है। मेरे पितर का नहीं यजमान, आपके पितर का श्राद्ध है। यजमान आपने मुझे यहाँ बुलाया है। यजमान आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने कहा यजमान आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने कहा यजमान आपने मुझे यहाँ बुलाया है। छोड़िए ये सब, आप मेरे साथ मंत्र पढ़िए। ओम यजामहे नमः स्वाहा, ओम देव भूमियाय नमः स्वाहा, ओम पित्र देवताय नमः स्वाहा, ओम यमो नमः स्वाहा। यजमान अब आपको ब्राह्मण पूजन करना है। अब आपको ब्राह्मण पूजन करना है। ओम ब्राह्मणो नमः, ओम ब्राह्मण देवताय नमः, ओम यजामहे नमः, ओम पुष्टिवर्धनाय नमः, नमः नमः, ओम दीर्घमायाय नमः, ओम यजामहे नमः, ओम ब्राह्मण देवताय नमः। यजमान यजमान आप मेरी बातों को क्यों दोहरा रहे हैं? आप मेरी बातों को क्यों दोहरा रहे हैं? मैं कहाँ दोहरा रहा हूँ, आप दोहरा। यजमान आप मंत्रों को दोहराइए। यजमान आप मंत्रों को दोहराइए। हाँ यजमान आप मंत्रों को दोहराइए। मंत्रों को दोहराइए। भगवान को इनकी पत्नी को बुलाओ। भगवान को इनकी पत्नी को बुलाओ। मेरी पत्नी को कहाँ से बुलाएंगे आप? मेरी पत्नी को कहाँ से बुलाएंगे आप? ये आपका घर है ना यजमान? ये आपका घर है यजमान? मेरा घर कहाँ है यजमान? मेरा घर कहाँ है यजमान? अरे यार कोई इनकी पत्नी को बुलाओ। अरे कोई इनकी पत्नी को बुलाओ। मेरी शादी नहीं हुई यजमान, पत्नी को कहाँ से बुलाएंगे आप? मेरी शादी नहीं हुई यजमान, पत्नी को कहाँ से बुलाएंगे आप? लेकिन अभी तो आपने कहा था यहाँ पर आपको आपकी पत्नी भेजा। लेकिन अभी तो आपने ये कहा था कि आप पत्नी को नहीं भेजा। भगवान कैसे समझाऊं मैं इनको? ओम तत्त्वामि नमः, ओम यमाय नमः, ओम दीर्घमयाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम मूर्तिवर्धनाय नमः, ओम कुलदेवताय नमः, ओम नागदेवताय नमः, ओम मोक्षदेवताय नमः, ओम कुलदेवताय नमः। यजमान ओम यजामहे पुष्टिवर्धना, ओम शांति शांति शांति, यजमान
आपका श्राद्ध क्रम पूरा हुआ, आपका श्राद्ध क्रम पूरा हुआ, मेरा नहीं यजमान आपका श्राद्ध क्रम पूरा हुआ, मेरा नहीं यजमान आपका श्राद्ध क्रम पूरा हुआ, यजमान आप दक्षिणा लेकर आए, यजमान आप दक्षिणा लेके आए, मुझे नहीं यजमान आपको दक्षिणा लानी है, मुझे नहीं यजमान आपको दक्षिणा लेके आनी है। देखिए यजमान दक्षिणा को लेकर मजाक बिल्कुल भी नहीं, देखिए यजमान दक्षिणा को लेकर मजाक, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं का मजाक कर रहा हूँ, अरे आप ही तो तब से मजाक किए जा रहे हैं, मजाक किए जा रहे हैं तब से। देखिए यजमान आपके पितर वहाँ से देख रहे होंगे, वो बहुत नाराज होंगे, आपको श्राप देंगे, आपके पितर वहाँ से देख रहे होंगे, बहुत नाराज होंगे, आपको श्राप देंगे, मुझे क्यों श्राप देंगे, आप ही को श्राप देंगे, आप ही को श्राप देंगे। देखिए अगर आप मेरी दक्षिणा नहीं देंगे मैं आपको श्राप दूंगा, देखिए आप मेरी दक्षिणा नहीं देंगे तो मैं आपको श्राप दूंगा, नहीं तो मुझे श्राप देगा, नहीं तो मुझे श्राप देगा, मैं तुझे अभी बताता हूँ, मैं तुझे अभी बताता हूँ, मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा, मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा, नहीं तू मुझे भस्म करेगा, नहीं तू मुझे भस्म करेगा, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास शक्ति है, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास शक्ति है, अरे कोई इसे समझाओ, अरे कोई इसे समझाओ, मुझे मेरी शक्ति का पता नहीं है, मुझे मेरी शक्ति का पता नहीं है, तू मुझे शक्ति दिखाएगा, तू मुझे शक्ति दिखाएगा, मुझे भस्म करेगा, अरे पंडित जी ये श्राद्ध पूरा हुआ कि नहीं हुआ, या मुझे भी आपके पीछे आना है, मारो मुझे, मारो। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, थैंक्स फॉर वाचिंग।